करीब 31 साल की लंबी लड़ाई के बाद हुकुमचंद मिल के मजदूरों को अब न्याय मिला है। न्यायालय ने हुकुमचंद मिल बंद होने के बाद से अब तक की बकाया राशि मजदूरों को देने का आदेश दिया है, जिसको लेकर इंदौर नगर निगम द्वारा विजयनगर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक परिषद बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मिल मजदूरों को उनके न्याय की राशि मिल सके, इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों दल के नेताओं ने अपना समर्थन दिया। बताना चाहेंगे कि हुकुमचंद मिल के 5,895 मजदूर 12 दिसंबर 1991 को मिल बंद होने के बाद अपने हक के लिए परेशान हो रहे थे, जहां करीब 32 वर्षों से चल रहे मजदूरों के संघर्ष में 2000 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मजदूरों को उनका हक मिल गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और अन्य कांग्रेसियों ने मजदूरों को राशि मिलने के प्रस्ताव को समर्थन दिया। चिंटू, भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं। जो भी प्रोजेक्ट आएगा जमीन को लेकर, जो भी निर्णय मध्य प्रदेश सरकार, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड करेगा, उसको भी इस सदन के अनुमोदन के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा और मुझे विश्वास है कि जो भी स्कीम, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम आएगा वो इंदौर में जो नाम हुकुमचंद मिल ने उसको पूरी दुनिया में दिलाया था, वैसा ही नाम ये इंदौर नगर निगम को और इंदौर को दिलवाएगा। इस सब को करने में बहुत सारे लोगों का अथक प्रयास, मेहनत रही है। मैं उन सभी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश सरकार के कई सारे अधिकारियों को, इंदौर नगर निगम के सभी अधिकारी, हमारे MIC के साथी विधायक पार्षदों का पुनः देखिए, हमारा मेरे पिताजी, मेरे दो भाई केला जी के पिताजी, केला जी के अंकल, हमारे सारा परिवार, मतलब पूरा नंदनगर तो मिल मजदूरों के क्षेत्र था, सब हम इससे जुड़े हुए थे। मेरे पिताजी खुद हुकुमचंद मिल में, मेरे भाई हुकुमचंद मिल में काम करते थे। तो ये जो ये त्रासदी हमने झेली और जो जो इसके कारण जो कष्ट आया, जो हमने संकट झेले हैं, वो भी आज याद करते हैं तो बड़ा भयानक दृश्य लगता है। और जो मजदूरों ने झेला है और उसको, उसका जो निराकरण आज हमारी नगर निगम की परिषद और राज्य सरकार ने इसका किया है, मैं महापौर जी को और मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। उनके प्रयासों से मजदूरों को राहत मिला और आज उनके चेहरों पर जो खुशी देखने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी और महापौर जी ने किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये लड़ाई पूरी मजदूरों की थी, उन्होंने जीती, उनके जज्बों ने जीती, मजदूर संगठन, जितने मजदूर संगठन सभी ने मिलकर इस लड़ाई में निरंतर अपना उसको जिंदा रखा, इस आंदोलन जिंदा रखा, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ। आज प्रमोद चंदन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सर निर्णय है वो हो चुका है, आखिरकार जो मजदूर है क्या हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत के साथ इंदौर ने भी एक ऐसा काम किया है जो हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी प्रतिबद्धता थी कि नगर निगम अपनी जमीन देकर मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से और मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट लाकर मजदूरों का पैसा अपफ्रंट मनी देने का काम करेगा। उस जमीन देने की सैद्धांतिक सहमति हमने आज इस परिषद के माध्यम से दी है, ताकि वर्षों पुराने मजदूरों का संघर्ष, हमने बहुत देर कर दी है निर्णय करने में, पर देर आए दुरुस्त आए, मजदूरों की जो लंबे समय की मांग थी, जो उनका देनदारी थी, वो चुकाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हुआ है। मैं पूरे सदन का धन्यवाद करता हूं कि मजदूरों की इस लड़ाई को अंत करने में इंदौर नगर निगम ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। काफी संघर्ष के बाद आज मिल मजदूरों को जो है अपना जो पैसा मिलेगा, किस तरह से देखते हैं? काफी वर्षों से संघर्ष, 32 वर्षों से का संघर्ष है। ये हुकुमचंद मिल मजदूर कर्मचारी अधिकारी ने जो वहाँ 32 साल पहले दरी बिछाई थी, उसका आज परिणाम और सुखद परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और विशेष रूप से माननीय महापौर जी ने इसमें रुचि ली। मेंदोला जी सतत लगे रहते थे, कई बार मुख्यमंत्री जी से मिलाया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ तो आज मजदूर की दिवाली उसी दिन मन गई थी कि जिस दिन ये निर्णय आया था माननीय उच्च न्यायालय का,
जिसमें हमारे दोनों वकील गिरीश पटवर्धन जी और धीरज सिंह जी पवार जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम लोग तो संघर्ष करते थे, 32 साल से हमारे 2200 से अधिक मजदूरों का निधन हुआ है, 69 मजदूरों ने आत्महत्या करी है, कई इस बीच में 32 साल में कई मजदूरों ने त्रासदी भुगती है। हमारी बहन उर्मिला शर्मा, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुआ होगा कि एक विधवा महिला को भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। एक मजदूर किशन लाल भोकरे जो 9 दिन अनिश्चित काल भूख हड़ताल पे 2011 में बैठे 2011 में बैठे थे 12 दिसंबर को, और आज खुशी की बात ये रही कि हमारी हुकुमचंद मिल 1991 में बंद हुई थी दिसंबर में, 12 दिसंबर 1991 में, और सुखद समय हमारे लिए खुशी आई वो भी दिसंबर में, 1 दिसंबर को आई। तो